दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकेंड पार्ट एक एक करके आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर अभी तक आपने अपने जन्म के नक्षत्र की पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मघा नक्षत्र तक के सेकंड पार्ट्स आ चुके हैं और धीरे धीरे करके बाकी भी सारे नक्षत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंह लग्न वालों का, ये जो मार्च 2024 का महीना है, गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आप लोगों की जन्म कुंडली में प्रथम भाव में यह 5 का अंक लिखा हुआ है तो ये लग्न किसकी कहलाती है? ये सिंह लग्न कहलाती है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानी है सिंह लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देखें कि सिंह लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे गोचर में इस समय कौन सा ग्रह किस राशि पर चल रहा है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य की, मतलब आपके लग्नेश की, तो ये 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे और फिर 15 मार्च को आ जाएंगे हमारी मीन राशि में। अगर हम लोग बात करते हैं बुध की, तो ये 7 मार्च तक आपके कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद बुध आ जाएंगे 8 मार्च को मीन राशि में। उसके बाद फिर एक परिवर्तन होता है, 27 मार्च को बुध निकलकर कहां पहुंच जाते हैं? मेष राशि में पहुंच जाते हैं। अब देखिए, चर्चा करेंगे शनि की। तो शनि इस समय अस्त चल रहे और ये 18 मार्च को उदय हो जाएंगे। दूसरी बात हम लोग करते हैं मंगल की, तो मंगल 15 मार्च तक आपके 6 हाउस में रहेंगे मकर राशि में, उसके बाद 16 मार्च को आ जाएंगे ये कुंभ राशि में। बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र 7 मार्च तक आपके 6 हाउस में रहेंगे और मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद 8 मार्च को आ जाएंगे हमारी कुंभ राशि में। तो अब आप लोग ये देखो कि कौन सा ग्रह कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है। राहु की चर्चा करेंगे, पूरे के पूरे महीने आपके 8th हाउस में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे। और अगर हम केतु की चर्चा करते हैं तो वो आपके सेकंड भाव में रहेंगे और कन्या राशि में रहेंगे। बात कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, जो पूरे महीने मार्गी हैं और आपकी मेष राशि में चल रहे। तो ये गोचर की व्यवस्था हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अपने मंथली प्रिडिक्शन की, जो चंद्रमा के हिसाब से चलता है। तो देखिए, 1, 2 और 27, 28, 29 आपको कोई भी बिजनेस अगर ऑनलाइन लेके जाने की इच्छा है तो ये डेट सबसे अच्छी मानी जा रही है। 3, 4, 30, 31 नो चेंज इन जॉब। आपके सामने फ्रेंड से कोई ऑफर भी आता है तो उसको एक आध दिन आप ऊपर नीचे जरूर करोगे। बात करते हैं 5 और 6 की, टाइम फॉर चिल्ड्रेन है, बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देना है कि वो कैसा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 7, 8, 20 और 21 लव एंड रोमांस का टाइम है। बात करते हैं 9, 10, 22 से लेके 24 तक नो आर्ग्यूमेंट्स विद स्पाउस, अपनी मतलब स्पाउस से थोड़ा झगड़ा करने से बचना है। 11-12 की बात करते हैं और 25 से लेके 26 तक थोड़े हेल्थ इश्यूज है और 13 से लेके 19 तक आपका ये गुड टाइम है, कोई भी बड़े डिसीजन लेने हैं आप इस समय में ले सकते हैं। तो देखिए, चर्चा करेंगे हम लोग कहां से, लग्नेश से। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस लग्न की चर्चा हो रही होती है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है लग्नेश, कि वो इस समय कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर है। तो देखिए, आपके लग्नेश कौन है? सूर्य। और देखिए, जो भी सिंह लग्न वाले लोग हैं, अगर उनकी जन्मपत्री में सूर्य जब उनका जन्म हुआ कौन सी जगह पर थे, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं लग्नेश का जादू, तो आपको ये पता चलेगा कि सूर्य की पोजीशन कहां पर किस प्रकार का परिणाम देती है। तो देखिए, इस समय गोचर में सूर्य हमारे कहां पर है? 7th हाउस में, मतलब हमारे स्पाउस वाले घर में है, हमारे 7th हाउस में हमारे लग्नेश का संबंध है। साथ में बैठे हैं शनि और उनके साथ बैठे हैं बुध। तो ये अगर मैं आपसे स्थिति कहूंगा तो ये सारे ग्रह क्या है, हमारी लग्न को भी देखते हैं, मतलब स्वयं मुझे। लग्न क्या होता है? स्वयं हम। तो ये स्थिति आप बनती हुई देखोगे कि जो आपका स्पाउस है ना, इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन में माना जा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए वो आपसे किसी गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करने की बात करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करने की बात करते हैं जॉब से संबंधित, तो आप उसको परमिशन देंगे कि हाँ ठीक है,
आप इसको काम को कीजिए, उनकी जॉब भी लग सकती है। दूसरी बात ये कि अगर वो किसी बिजनेस को भी स्टार्ट करना चाहते हैं, सेल्फ बिजनेस जैसे, क्योंकि बुध बिजनेस का ग्रह माना जाता है, अगर उनके दिमाग में कुछ इस तरीके की बात चल रही है कि मैं घर पर रहकर कोई काम करूं या कहीं बाहर जाके कोई अपना बिजनेस करूं, तो ये समय वो समय है पूरा मार्च का कि आप उनको सपोर्ट करोगे। मेन चीज ये क्यों, क्योंकि वहां पर उनके खुद के अपने घर का मालिक भी है और लग्नेश का संबंध भी सेवेंथ हाउस से बन रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है जो कि आप एंजॉय भी करोगे, उनका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है कि पावरफुल आप दोनों में कौन होगा, पावरफुल होगी आपका स्पाउस। तो ये चीज हुई लग्नेश से संबंध। अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस को हम लोग बोलते हैं कि ये पैसे से संबंधित हाउस है। किस प्रकार का पैसा, जैसे एफडी हो, लॉन्ग टर्म शेयर हम इसमें रखते हैं, मतलब कुल मिलाकर जैसे हमारे संस्कार जो हमारे अंदर फीड होते हैं, इसको हम किससे देखते हैं, सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का हाउस भी है। इस समय बैठे हैं यहां पर केतु और इसके जो इस भाव के जो मालिक हैं, देखिए इस भाव का मालिक कौन है, बुध, और उनको दूसरा घर कौन सा मिला हुआ है, लाभ भवन। आपके लाभ भवन के मालिक भी बुध होते हैं और आपके पैसे वाले हाउस के भी जो मतलब मालिक हैं बुध हैं। देखिए उनका संबंध कहां से बन रहा है, उनका संबंध सेवेंथ हाउस से बन रहा है। कब तक बन रहा है, ये 7 मार्च तक बन रहा है। तो ये 7 मार्च तक का जो समय है, आपका जो पार्टनर होगा बिजनेस का पार्टनर, अगर आप उसके साथ कुछ भी डीलिंग करोगे या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत उपयुक्त समय माना जा रहा है। उसके बाद बुध क्या है, 8 मार्च को कहां आ जाएंगे, आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। देखिए जब भी इसका संबंध 8th हाउस से बनेगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी ऐसे काम जो केवल अभी तक आप सोचते थे, जिनके ऊपर आपने काम करना शुरू नहीं किया है, तो ये वो टाइम आ रहा है कि आप अपने छुपे हुए टैलेंट्स को भी पब्लिक के सामने लेकर आइएगा, तब आपको अच्छे गेन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट चर्चा करूंगा मैं आपसे आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस हमारा बेसिकली पराक्रम का हाउस है और आसपास का हाउस है, मतलब हमारा जहां हम लोग रहते हैं उसके आस पड़ोस को भी अगर देखना है तो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस हमारे आकर्षण का हाउस भी है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो मालिक यहां पर कौन है, शुक्र, और शुक्र को दूसरा जो घर आपका मिला है, दूसरा जो भाव मिला है वो 10th हाउस मिला है। इस समय शुक्र कहां पर है, हमारे कहां पर है, 6th हाउस में। कब तक है, 7 मार्च तक है। उसके बाद कहां जाएंगे, 7th हाउस में। दोनों की चर्चा करते हैं। देखिए जब भी थर्ड हाउस का और 10th हाउस का संबंध 6th हाउस से बनता है, तो सबसे पहली प्रिडिक्शन तो आपको ये माननी है कि जिन लोगों की जॉब, जो सिंह लग्न वाले लोग बहुत टाइम से जॉब के लिए ये सोच रहे हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, तो ये बहुत अच्छा समय है 7 मार्च तक का कि उनको, अगर वे लोग प्रयास करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जॉब में सफलता मिलेगी प्राप्त करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जब भी कभी 10th हाउस का संबंध हमारे 6th हाउस से बनता है, तो यहां पर एक चीज आपको जरूर सोचनी है कि जो भी आप जॉब करते हो या कोई सेवा देते हो, जैसे मान लीजिए सेवा किसको कहते हैं हम, कि जैसे मान लीजिए कोई आप एडवाइस देते हो या कुछ भी आप काम करते हो, तो साथ में ये जरूर देखिएगा कि मंगल भी इस समय बैठे, तो आपकी जो बोलने का जो ढंग है वो सामने वाले को चुभने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये चीज भी आपको थोड़ा सा देखनी है। उसके बाद शुक्र कहां चले जाएंगे, उसके बाद शुक्र आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। तो जैसे ही शुक्र 7th हाउस में 8 मार्च को गोचर करेंगे और बुध यहां से निकलकर कहां आ जाएंगे, आपके आपके आ जाएंगे 8th हाउस में। तो अब देखिए आपके उसमें शुक्र की एंट्री हुई, इसका मतलब कि आपका आपकी स्पाउस के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, एक मीठा व्यवहार रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है उसमें भी, बिजनेस में भी आपको सहयोग पूरा मिलेगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे आपके 4th हाउस की। 4th हाउस का मालिक और आपके भाग्य भवन का मालिक कौन है, मंगल। इसका संबंध किससे बन रहा है, 6th हाउस से बन रहा है। बैठे किसके साथ है, शुक्र के साथ बैठे। तो एक और तो मंगल 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति को, मतलब अपनी ही राशि को देख रहे हैं, अपने भाग्य से आपको पैसा कमा के दे रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं उनकी 7वीं दृष्टि कहां जा रही है, 12th हाउस पर जा रही है। तो आपको एक चीज इस पूरे महीने, कब तक, 15 मार्च तक, एक चीज का बहुत बड़ा ख्याल रखना है कि अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो या 4 व्हीलर चला रहे हो
मतलब वही ये वहीकिल कहां से आया, वहीकिल आया शुक्र से। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से आपको चोट वगैरह लगने की भी संभावना बन रही है। तो अब देखिए चर्चा करेंगे हम आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वो कौन सी है? मीन। और मीन का मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? आपके भाग्य भवन में बैठे हैं। तो देखिए फिफ्थ हाउस हमारा किस चीज का होता है? फिफ्थ हाउस होता है हमारी इच्छाओं का, हमारी संतान का, लव एंड रोमांस का, और बहुत सारी ऐसी चीजें इससे देखी जाती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो अगर आप इस चीज को समझोगे कि फिफ्थ हाउस का मालिक, फिफ्थ हाउस और एर्थ हाउस का मालिक कहां बैठा है? भाग्य में बैठा है। इसका मतलब यह होता है कि आप इस समय जो भी प्रयास करोगे, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा पूर्ति है वो कहां से होगी? आपके भाग्य से होगी। आपके एर्थ हाउस का संबंध और फिफ्थ हाउस का संबंध केवल आपसे ये कहता है कि आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ति करने से पहले आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, और फिर वो क्या होगा, भाग्य से आपको वो चीज प्राप्त होनी है। बात करते हैं सिक्स हाउस की। आपके सिक्स हाउस में शुक्र और मंगल की युति बैठी है। मालिक कौन है इसका? शनि। और शनि कहां पर है इस समय? सेवेंथ हाउस में। तो देखिए ऐसा होता है कि जब भी छठे हाउस का मालिक कहां बैठा है? सेवेंथ हाउस में बैठा है। तो ये स्थिति आपके लिए स्पाउस वाले पोर्शन के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहां पर जो मंगल और शुक्र की युति बैठी है, बस मैंने आपको यही बोला है कि इस समय ड्राइविंग को थोड़ा सा संभाल के आप लोगों को करना है। ठीक है, बात करते हैं आपके सेवेंथ हाउस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ग्रह इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य और शनि और बुध, यहां पर सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। देखिए शनि यहां पर अस्त पोजिशन में है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन आप एक बात को देखेंगे कि ये पिता और पुत्र की दोनों के विचार बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो यही चीज मैं आपसे ये लगातार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों में मतभेद होगा, लेकिन जीतेगा कौन? आपका स्पाउस जीतेगा, क्योंकि सारी पावर इस समय आपके स्पाउस के घर में है। तो ये मेन चीज है, आपको समझ के चलना है कि मुझे किस तरीके से कौन सा काम करना है। और चूंकि 15 तारीख को सूर्य का संबंध एर्थ हाउस से बन जाएगा, और यहां पर जब तक शुक्र आ चुके होंगे और बुध भी कहां चले जाएंगे? आपके एर्थ हाउस में चले जाएंगे। तो ये चीज आपको बहुत सोच समझ के कि जो भी वो बात कह रहे हैं, जो भी आपका स्पाउस आपसे जो बात कह रहे हैं, उसको एक बार सुनिए, और सुनने के बाद ही कोई ना कोई रिजल्ट पर पहुंचिए। अब बात करते हैं एर्थ हाउस की। तो देखिए एर्थ हाउस में हमारा इस समय राहु बैठे। राहु और केतु की अपनी कोई राशि होती नहीं है, और ये परिणाम उसी ढंग से देते हैं जिसके ये जिसकी राशि में बैठे। बैठे किसकी राशि में? गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे। अब गुरुदेव बृहस्पति वहां कहां पर बैठे हैं? यहां बैठे हैं हमारे भाग्य वाले भवन में। तो राहु क्या करते हैं जब एर्थ हाउस में होते हैं? व्यक्ति के पास नए से नए तरीके के विचार आते हैं कि वो ये भी कर ले, इस फील्ड में चले जाए। तो इस समय सिंह लग्न वाले जो भी लोग जैसे इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं या कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिस पर उनको सीखना है, कुछ ना कुछ लर्न करना है, तो ये उनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड माना जाता है। अब इसके बाद सूर्य और बुध की भी जब युति यहां आएगी, कब आएगी? 8 तारीख को बुध आएंगे और 15 तारीख को सूर्य आएंगे। तो ये जो बात का समय होगा ना इस महीने का, तो आप ये समझिए कि सरकार से जितनी भी चीजें आपको मिली हैं उसमें थोड़ी सी बाधा जरूर आएगी, लेकिन राहु के जो विचार होंगे, राहु की जो यहां पर शक्ति होगी वो जबरदस्त होगी। किस काम के लिए? रिसर्च करने के लिए, ऑकल्ट साइंस से जुड़ने के लिए। और अगर आप लोग थोड़ा मेडिटेशन यहां पर करते हैं तो आप समझिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से भी। अब बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस की चर्चा गुरुदेव बृहस्पति के माध्यम से हुई। गुरु की जो पांचवी दृष्टि है 1 2 3 4 5 किसके ऊपर पड़ रही? लग्न के ऊपर पड़ रही। यानी पांचवी दृष्टि से ये लग्न को मजबूत कर रहे हैं। सातवीं दृष्टि इनकी थर्ड हाउस पर पड़ रही है, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी बिजनेस अगर आपको अपना ऑनलाइन लेकर जाना है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। 7 8 और 9 नवी दृष्टि इनकी आपके मतलब बच्चों वाले या फिर हम के इच्छा वाले खाने में
पढ़ रही। तो यहां पर कोई ना कोई एक अच्छी सूचना आपको मिलेगी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया या उसके एग्जाम बहुत अच्छे हो गए, मतलब कुल मिलाकर आप उसकी पढ़ाई से संतुष्ट रहेंगे इस पूरे मार्च के महीने में। अब लोग हम लोग चर्चा करेंगे आपके टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस का मालिक आपके सिक्स हाउस में बैठा हुआ है। ये चीज मैंने आपको बताई कि केवल और केवल आपको किस चीज पर ध्यान देना है, अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। जो कुछ भी आपके पास टैलेंट है अगर आप उसको ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हो, बहुत अच्छा मार्च का समय आपके लिए बना हुआ है। तो यहां पर अगर पैसे की दृष्टिकोण से मैं आपसे कहता हूं तो कहीं ना कहीं जो भी आपका टैलेंट है अगर आप उसे ऑनलाइन लेकर आते हो आपको लाभ होने की पूरी चांसेस है। बात करते हैं आपके इलेवेंथ हाउस की। मालिक है बुध, और बुध और कहां के मालिक है, मतलब सेकंड हाउस के, और बैठे इस समय कहां पर है, इस समय सेवेंथ हाउस से आपका कनेक्शन बना हुआ है। इसका ये मतलब है व्यापार में उन्नति या हमारा जो पार्टनर के साथ हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट होने की संभावना बनी हुई है। बात करते हैं आपके ट्वेल्थ हाउस की। तो ट्वेल्थ हाउस के मालिक हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के हिसाब से ये जो सारी मन की गतिविधि होती है ये मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं कि किस समय हमारा किस प्रकार का मन करता है कोई भी काम करने का या ना करने का। तो ये एक छोटी सी प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। अब जो भी सिंह लग्न वाले लोग हैं जो कि अभी जॉब को ढूंढ रहे हैं कि उनको जॉब कब मिलेगी, 7 मार्च से पहले पहले अगर वो अच्छा सा प्रयास करते हैं तो उनके जॉब मिलने की संभावना बहुत अच्छी रहती है। और जो लोग बिजनेस सेक्टर में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं उनके लिए पूरा महीना जबरदस्त बना हुआ है। अपने बिजनेस को आप कितना भी बढ़ा सकते हो ये चीज। अब बात कर लेते हैं मैरिज से संबंधित। तो देखिए जब शुक्र आपके एट्थ हाउस, जब शुक्र आपके सिक्स हाउस से निकलकर सेवेंथ हाउस में आ जाते हैं, मतलब 8 मार्च के बाद जितने भी सिंह लग्न वाले लोग हैं, वीडियो आपको कब मिल जाएगी, फरवरी में मिल जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि जो आप जहां भी कोई लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं, जैसा भी आपका सिस्टम है, तो ये संभावना आपको मार्च में अच्छी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैरिज के लिए भी। तो ये छोटी सी प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के समक्ष रखी कि सिंह लग्न वालों का ये मार्च का महीना किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।